शांतिपूर्ण ढंग तरह से मार्च निकल रहा था, उसको बर्बरता पूर्वक बिहार की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में दबाने में चार्ज हुआ है, जिसमें हमारे जहानाबाद के सम्मानित हमारे महामंत्री विजय कुमार सिंह की बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा रोड पे हत्या सिवान में। बता दें कि जिस तरीके से महागठबंधन सरकार ने दावा किया था कि हम लोग ने 10 लाख नौकरी लाएंगे, 19 लाख नौकरी लाएंगे, लगातार दावा कर रही थी, लेकिन उन्होंने तो रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इसमें जो डोमिसाइल नीति है उसको हटाकर ये लोग अदर स्टेट के भी जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको भी लाने की इसमें कोशिशें कर रहे थे। उसी को लेकर बिहार में कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, जो बिहार के जो शिक्षक हैं वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि कल विधानसभा मार्च को लेकर बीजेपी के तमाम नेता लोग, जिसमें सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सभी लोग मौजूद थे, वो लोग पैदल मार्च विधानसभा तक निकाला था, जिसमें बिहार के जो पुलिस है उन्होंने लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया, जिसमें बीजेपी के एक नेता जो कि विजय सिंह है उनकी मृत्यु हो गई और बहुत सारे सांसद, विधायक लोग उसमें घायल हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टीम अभी मौजूद है सिवान शहर के, ये जेपी चौक कहा जाता है, जो कि हमेशा यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता रहता है। आज बीजेपी काला दिवस के रूप में एवं बिहार के जो सूबे के जो मुख्यमंत्री है एवं जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनका पुतला यहाँ पे दहन करके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में, क्या कहेंगे सर आज का जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, किस लिए कर रहे हैं? कल बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी मैदान से विधानसभा मार्च का जो आयोजन किया गया था, उसमें उस कार्यक्रम के हम लोग सभी साक्षी हैं। उसमें जिस शांतिपूर्ण ढंग तरह से मार्च निकल रहा था, उसको बर्बरता पूर्वक बिहार की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में दबाने का काम की है, लाठी चार्ज हुआ है, जिसमें हमारे जहानाबाद के सम्मानित हमारे महामंत्री विजय कुमार सिंह की बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा रोड पे हत्या की गई है। इसी के विरोध में आज पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पे यहाँ हम लोगों का पुतला फूंकने का कार्यक्रम था और आज से हम लोग रोड पे, सड़कों पे इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नेतृत्व तो आगे भी कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे।